वेलकम टू माय फूड चैनल अम्मी का जायका। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बनाना वॉलनट केक, और यू कैन से बनाना वॉलनट ब्रेड। इट्स बेसिकली टी टाइम केक एंड इट्स अ ड्राई केक, और ये बहुत ही ज़्यादा सुपर डिलीशियस होता है। तो चले आज हम बनाते हैं बनाना वॉलनट केक। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बनाना वॉलनट केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये दो बनाना लिए हैं, इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। और आप जब भी बनाना वॉलनट केक बनाएं तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा जो पके हुए बनानाज होते हैं उनका आप यूज़ करें। मेरे पास उतना ज़्यादा ये पके हुए नहीं थे तो मैंने ये लिए हैं। अब इनको इस तरह से कट करके किसी भी ग्राइंडर में डालकर हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं तो आप इसको बॉल में डालकर किसी भी फोक से हल्का हल्का सा मैश कर लें। तो ये देखें, ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून शुगर, और ये थोड़ा कम मीठा होता है इसलिए इसमें थोड़ी कम शुगर का ही यूज़ करेंगे। तो मैंने यूज़ किया है 4 टेबल स्पून शुगर, और ये 1/2 कप मैंने लिया है ऑयल, या बटर आप ले लें। तो ये मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। 1 एग, जनरली ये केक जो है वो एग के साथ ही बनता है, लेकिन अगर किसी को एग से कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप इसे विदाउट एग भी बना सकते हैं। अब ये मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, और ये मेरे पास है सिनेमन पाउडर, ये है 1 टेबल स्पून। अच्छा, इस सिनेमन पाउडर के साथ मैंने थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर भी डाला है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और बनाना वॉलनट केक और कॉफ़ी का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही यम्मी लगता है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1/2 टीस्पून ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई लम्स ना रहे। तो ये देखें, ये बैटर जो है ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। ये अभी थोड़ा ज़्यादा थिक है तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। ये मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, क्योंकि जैसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये वैसी नहीं थी। ये देखें, ये अब जैसी हमें चाहिए, ये बिल्कुल वैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखें, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने लिए हैं वॉलनट, जिनको मैंने अच्छी तरीके से चॉप्ड करा है। ये हम उस बैटर में ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस बैटर में थोड़ा सा फ्लावर डालेंगे, ताकि इसके ऊपर हल्की सी, इन वॉलनट पे हल्की सी कोटिंग जो है वो इस फ्लावर की हो जाए। तो जब ये बैटर के अंदर जाएगा तो जो चिपचिपा सा एक फ्लेवर आता है खाने में वो नहीं आएगा। तो ये देखें, अब इस तरह से हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये बेक होने के बाद भी ये वॉलनट का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा आएगा, वो चिपचिपा सा जो एक टेस्ट आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट सा बैटर तैयार हो गया है। तो अब ये हम एक मोल्ड लेते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों तरफ से इस तरह से हम इसको ग्रीस करेंगे, ताकि जब हमारा बैटर इसमें जाए और केक बने तो वो इसमें चिपके नहीं। ये देखें, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये फ्लावर जो है ये डस्ट किया है, इससे हमारा केक जो है वो बहुत ही ईजली बेक होके निकल आएगा।
ये चारों तरफ इस तरह से इसको हम फैला देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमारा बैटर है, ये इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखें सारा बैटर हम इसमें डाल दे रहे हैं इस तरह से, और हल्का सा 2-3 बार हम इसको टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और ये अच्छी तरीके से बेक हो जाए। तो ये देखें थोड़े से चॉप्ड वॉलनट हम ऊपर से भी इसमें डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर से भी इसको डाल देंगे और थोड़ा सा अब इसमें हम डालेंगे चॉको चिप, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए मैंने इस पर ये डाला है। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ये आप स्किप कर दें। तो अब ये देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी और हल्का सा टैप करके इसको सेट कर देंगे। और अब मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है और उसमें 180 डिग्री पर हम इसे 20 मिनट के लिए ये बेक करेंगे। तो ये देखें ये हमारा केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गया है। ये मैंने 20 मिनट कहा था बट मैंने इसको 15 मिनट के बाद जब चेक किया तो ये बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गया था। ये देखें मैंने नाइफ डालकर इसमें चेक किया तो ये एकदम बहुत अच्छे से निकल आई है, बिल्कुल इसमें बैटर जो है वो नहीं लगा है। और ये देखिए इतना अच्छा बेक हुआ है कि इसके साइड्स भी जो हैं वो अपने आप ही छूट गए हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट पर। तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर एक प्लेट इस तरह से रखी और इसको हल्का सा इस तरह से हम फ्लिप करेंगे और इसके ऊपर हम हल्का सा टैप करेंगे। तो इस तरह से टैप करने से ये बहुत ही ईजिली निकल आएगा। और ये एक टी टाइम केक है तो आप इसे अगर शाम के टाइम या इवनिंग पे आप इसे कॉफ़ी के साथ इसे लेंगे तो ये बहुत ही यमी लगता है और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब मैंने क्या किया, ये ऊपर से थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सिरप इस पे इस तरह से किया, गार्निश किया। आप चाहें तो इसके ऊपर आइसक्रीम रख दें, उसके साथ भी आप अपने बच्चों को दें तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। और ये बहुत हेल्दी भी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो ये देखें ये मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखें ये मैंने इसको इस तरह से कट किया। और ये बहुत बहुत ज़्यादा यमी और डिलीशियस बना था। तो आपको अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।